गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम बैक टू न्यू वीडियो। मैं आपका अश्विन एकदम ठीक हूँ, खुश हूँ, मस्त हूँ और आशा करता हूँ आप भी अच्छे होंगे। आज फिर से मैं आ गया बहुत सारी सुंदर धूप, उजाला और सूरज के साथ, एकदम येलो येलो शायद दिख भी रहा होगा आपको। आज हम लोग प्रैक्टिस कर रहे हैं, कल रात को लंबा सेशन, नाइट का सेशन था, तो इसलिए आज हम लोग थोड़ा लेट शुरू कर रहे हैं। बच्चों की छुट्टियाँ भी आ गई तो मैंने सोचा कि बेस्ट टाइम है, आराम से सेशन शुरू कर सकते हैं। और ठंड भी बढ़ने लग गई तो फील होने लग गई यार ठंड अब हो रही है, देखो कैसा माहौल है एकदम। सूरज नहीं दिख रहा, पता नहीं सूरज उधर रह गया इन पेड़ के पीछे, भी दिखाते हैं आपको सूरज भी। तो आज हम लोग लॉन्गर सेशन लगा रहे हैं, बच्चे धड़ाधड़ सेट लगा रहे हैं, अभी उनको मैंने ब्रेक दिया है तो वो ब्रेक पे बैठे हैं और अभी वापस से रेडी हो रहे हैं सारे। और ये रहा हमारा सूरज, वापस छिप गया कहीं। तो बस वीडियो में बने रहो, वीडियो देखते रहो, अभी मैं और चीजें दिखाता हूँ मस्त मस्त। और आज शिवांश की, अंश की और आरव की रेस है, अभी तो वन लैप शुरू भी हो गई होगी, वन लैप चल रही होगी, अभी मैंने बात नहीं करी, अभी बात करेंगे। और अभी थोड़ी देर में शिवांश और अंश भागेंगे और शाम को फिर आरव और शिवांश 500 मीटर भागेंगे और हमारे साथ आ गए डागी, हमारी डागी। 7 लैप्स है, खींच के रखना, 3000 मीटर है और छूटना नहीं चाहिए अनुष्का किसी भी कंडीशन में, तू पकड़ के चलियो, तुझसे तो बिल्कुल नहीं छूटना चाहिए, तेरे लिए करवा रहा हूँ। अनु कैसा लग रहा है, तेरी पार्टनर तेरे को धोखा देके आ जाएगी? नहीं, बहुत ही बिट्रेड लग रहा है मुझे, उसे गाड़ी में मेरा फोन भी रखा है। तेरा फोन उसी की कार में पड़ा है? हाँ। और तूने कल ड्राइवर से एक्सेस नहीं किया? सही है यार। तो सेशन खत्म हो गया, यहाँ से तो अब फ्री हो गए, अब फटाफट फटाफट घर चलते हैं क्योंकि अंश और शिवांश की रेस आने वाली है, अभी वन लैप शुरू होने वाला है, अभी 11-14 वाला एज ग्रुप चल रहा है, फिर उनके बाद इन्हीं की है। तो फटाफट फटाफट घर चलते हैं, घर चल के देखते हैं क्या क्या होता है रेस में। हाँ तो गाइज, मैं अपने घर आ गया था और आज मैं पूरे दिन से बस वीडियोज़ लाइव देख रहा था। आज ही इनके सारी रेसेस होने वाली थी, आज पूरी टीम फ्री हो गई, सुबह सुबह इनकी वन लैप हो गई और शाम होते होते इनकी 500 मीटर हो गई। मेरी पूरी टीम 500 मीटर और वन लैप ही भाग रही थी। आज थोड़ी सी एक्स्ट्रा नॉइस आई तो उसको अवॉइड करना, मेरे घर पे काम चल रहा है तो बहुत सारी आवाज़ें आ रही है। तो मैं किसी का भी सिलेक्शन नहीं हुआ, कोई भी फाइनल्स में भी नहीं पहुँचा इवन, और किसी का मेडल भी नहीं आया क्योंकि इतना अच्छा भागे नहीं जितना मैं सोच रहा था या जितना हमने सोचा था, उससे बहुत ही बेकार भागे और बहुत सारी कमियां थी। अब ठीक है, जो भी कमियां थी उनको पूरा करेंगे, कोशिश करेंगे कि आने वाले SGFI या RSFI तक उनको कमियों को पूरा करें और अच्छे से भागे। जितना सोचा था उससे बहुत बिलो एवरेज रिजल्ट गया है। जैसा भी गया, मैं आपको रेस दिखाता हूँ, सबसे पहले शिवांश की रेस दिखाता हूँ। इसकी वन लैप थी, पता नहीं क्यों वन लैप में इतना घबरा रहा था, तो मैं सबसे पहले क्लिप ऑन करता हूँ। ये देखो, इसकी रेस शुरू हो गई, शुरू में एक गैप आ गया, मैं इससे बात भी कर रहा था, मतलब रेस खत्म हुई उसके बाद तो हमारी बात भी हुई, तो ये कह रहा था कि भैया वो तो ऐसे करते हैं वैसे करते हैं, कुछ भी करते हैं रेस में थोड़ी ना ये सब चलता है, पूरी जान लगानी होती है, जैसा भी है यही तो है और हमेशा ये तो ऐसे ही मिलेगा कॉम्पिटिशन, तो कॉम्प्रोमाइज़ कर ही नहीं सकते। बाकी तो अच्छा कॉम्पिटिशन था, बहुत अच्छा था, ये इसकी हीट भी फास्टेस्ट हीट थी। तो ये तो शिवांश का था, और अंश का मेरे पास स्टार्टिंग का क्लिप नहीं है, बीच में से है, तो जिसमें वो सिर्फ टर्निंग वाला क्लिप है मेरे पास, टर्निंग पे वो था 4th पे, इसने सेकंड लास्ट फिनिश किया है और इसकी हिट बहुत स्ट्रांग नहीं थी पर अच्छी ठीक थी। तो ये अंश और शिवांश की 1 लाख की रेस है और शिवांश की ये ट्रैक रेस है 500 मीटर। तो इसमें भी बहुत स्ट्रांग स्टार्ट लेना था, वो मिला नहीं, स्टार्टिंग में भी थोड़ा सा टाइट स्पीड मार गया, पर ठीक है जैसा भी है। ये 500 मीटर थी तो 500 मीटर में भी एज एक्सपेक्टेशन जितने हम सोच रहे थे उस हिसाब से नहीं भागे ठीक है, पर जितना हमने सोचा था उतना अच्छा नहीं भागा। पता नहीं क्यों बोल रहा था कि स्किट मार रहा है, मेरा पैर स्किट मार रहा है, कोई होना ही नहीं चाहिए, चल अब कह रहा था। तो जैसा भी है, ये शिवांश की थी, अंश की रेस थी, गयाना की रेस थी। लास्ट में अपन बात कर लेते हैं आरव की।
11 की रेस थी, इसमें सेकंड पे चल रहा था, पर धीरे धीरे पता नहीं क्यों इसका भी गैप बढ़ता चले गया। अभी मेरी बहुत ज्यादा बात नहीं हुई है टीम से, मैं बात करूंगा ये अगली कल या परसों सुबह तक जयपुर आ जाएंगे तो मैं इनसे मिलूंगा, प्रॉपर एक मीटिंग करने वाले हैं, फिर हम बात करेंगे कि क्या क्या कमी रही, क्या क्या इश्यूज आए, क्योंकि आरआर इतना अच्छा चल रहा था धीरे धीरे पीछे चलता चले गया, तो उससे बात करेंगे कि क्या प्रॉब्लम रही आरआर के केस में भी, कि उसको भी इतना गैप क्यों मिल गया और कैसे काम हुआ। अब थोड़ा सोचना पड़ेगा, दिमाग लगाना पड़ेगा और दौड़ाने पड़ेंगे दिमाग के घोड़े, क्योंकि जितना करा उतना इनफ नहीं है, इससे तो बहुत सारा करना है, और जितना वीडियोस में मैंने रेस देखा जितना समझा उतना ठीक है, पर एक बार सब आ जाए तो एक बार फेस टू फेस बैठ के बात करेंगे क्या क्या इश्यूज हुए, कैसे कैसे उन्होंने फील किया, क्या क्या उन्होंने एक्सपीरियंस किया, तो मिलेंगे कल परसों और फिर बात करेंगे, फिर मैं बताऊंगा आपको कि कैसे क्या चल रहा है। कुछ कुछ कमियां मुझे लगी जिस पे हमें काम करना चाहिए, उस पे मैं काम करूंगा बहुत जल्दी, इवन काम शुरू कर भी दिया है इन सारी चीज़ों पे। अगला सेशन जैसे शुरू होगा कल का, मैंने सारी चीज़ें अच्छे से देख ली कि क्या क्या प्रॉब्लम थी, क्या क्या कमियां छोड़ी हैं, तो उस पे काम करना शुरू कर दिया है। होपफुली हम कोशिश करेंगे कि इन चीज़ों को जल्दी से जल्दी ख़त्म करें और ऐसी गलतियाँ वापस ना हो, क्योंकि अभी तो एक नेशनल ख़त्म हुआ है, अभी तो RSFI आ रहा है, SGFI आ रहा है, तो इन नेशनल्स में ऐसी गलतियाँ ना करें। तो बस आज के ब्लॉग में इतना ही था, तो दिखाई दिया सब कुछ, रेसिस हुई गया, सेशन हुई गया, तो ठीक है जैसा भी आज का दिन, मिलते हैं कल। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना, शेयर कर देना, सब्सक्राइब कर देना, बहुत सारा प्यार देना, बाय बाय।